शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओको ध्यानम, स्वान निंद्रा। स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है, एक छिपकली भी बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है। तो उसी तरह से बहुत गहरी नींद में भी बच्चों को नहीं रहना चाहिए, कुत्ते जैसा निंद्रा होनी चाहिए। काक चेष्टा अकुर ध्यानम स्वान निंद्रा तथे वच अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए ताकि मतलब नींद मत आए और पढ़ाई में मन लगे। और गृह त्यागी मतलब घर छोड़ना भी पड़ता है, आजकल तो बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे भी एकदम सवेरे ही बस में दूर दूर स्कूल चले जाते हैं। और प्राचीन काल में तो गुरुकुल व्यवस्था थी, बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे और वर्षों वर्षों तक वहीं रहकर कभी कभार अपने माता पिता के पास आते थे। तो ये पांच गुण एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए, और जिस विद्यार्थी में ये पांच गुण हो गया तो उसको परीक्षा में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहे कि उसका जो भी कोर्स है साल भर का उसको अच्छे से याद हो जाएगा। और परीक्षा, परीक्षा का क्या मतलब हुआ? पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब इच्छा, मतलब परीक्षा दूसरे की इच्छा। अब साल भर कोर्स पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसी में से कुछ सेलेक्ट होते हैं प्रश्न, लेकिन हमको लगता है कि परीक्षा जो होता है वो दूसरे की इच्छा के हमारे गुरुजन तैयार करते हैं क्वेश्चन, उनकी इच्छा से होता है, लेकिन कोर्स के अंदर ही रहता है। फिर भी कभी कभी भय तो होता ही है परीक्षा से, जब परीक्षा आता है तो भय होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब होता है। तो यही सब भय नहीं रहे विद्यार्थी के पास, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सातवां बार ये स्कूल पे चर्चा किया है। तो आप सब लोग विस्तार से सुने हैं, मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, आज इस वातावरण में हमको भी अपना बचपन याद आ गया, स्टूडेंट लाइफ आज याद आ गया। परीक्षा देते समय एक तो कॉन्फिडेंस के साथ, सब प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं, कोई टेंशन में नहीं। नहीं तो कभी क्या होता है कि परीक्षा आता है तो पढ़ाई हम लोग रात दिन करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं और सीधा पढ़ाई करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया है। और जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो एक सीमित समय है, क्वेश्चन पेपर या उत्तर पुस्तिका आपके पास आती है तो उसमें से कई क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो मेरा ये सलाह होगा कि आप लोगों को सरसरी निगाह से तो देखना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसमें से कितना हल करना है। तो जिस क्वेश्चन का आप आसानी से समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले उसको उसका आंसर लिखना चाहिए। और इस तरह से दूसरे नंबर में इस तरह से क्रम करना चाहिए, एक बार जैसे ही आपके पास उत्तर पुस्तिका आ जाता है तो जितने भी क्वेश्चन है उसको सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। और अगर 10 में 5 करना है तो 5 जो सबसे अच्छा जिसको आप जानते हैं, जानकारी है, ऐसा सेलेक्ट करके 5 को वो लिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से उससे आपके सही आंसर भी आएंगे और समय का आपका बचत होगा। तो मैं समझता हूं ये भी एक परीक्षा अच्छे से देने के लिए यह अच्छा उपाय है। और यहां पर हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं, 8-8 बार के विधायक हैं, अनुभवी भी हैं। निश्चित रूप से इस देश में नया शिक्षा नीति भी आ रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो शिक्षा नीति के कारण यहां पर पढ़ाई का स्तर भी और अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे अनुभवी शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है हमारे प्रदेश में अच्छा से अच्छा शिक्षा और दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा पहुंचा पाए,
ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार का रहेगा। परीक्षा नजदीक है, सभी विद्यार्थियों के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छी तैयारी के साथ भय मुक्त होकर आप सब लोग परीक्षा दें। आप सब लोग इस देश के भविष्य हैं, इस देश के कर्णधार हैं, इस देश का भविष्य आप लोगों के कंधे पर टिका हुआ है और शिक्षक तो हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। सबको फिर से हम एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात अंत करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।